नमस्कार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कभी कभी कुछ लोग समय के दुष्प्रभाव, जाने अनजाने या किसी और कारण से गलत गतिविधियों में जुड़ जाते हैं। जब उन्हें अपनी गलती का आभास होता है तो फिर वो सही मार्ग पर चलने लगते हैं। वहीं कुछ लोग पूरी योजना के साथ ये चाल चलते हैं कि लोगों का नुकसान पहुँचाना है और उन पर काबू पाना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और इस मुश्किल काम को कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की। मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से भारत में आंकड़ों की माने तो 90 जिले ऐसे थे जहाँ पे विकास की गति थम सी गई थी, पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद से 90 का जो आंकड़ा है वो 70 पे आके सिमट गया है। यानी कि 20 जिलों में नया सवेरा का उदय हो चुका है और 70 जिलों पे भी सरकार चाह रही है कि वहाँ पे काबू करे और मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़कर विकास का कदम थामे आगे बढ़ते रहें। दर्शकों, आज की कड़ी में हम आपको लिए चलेंगे झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले महेशपुर गांव में। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि महेशपुर गांव की दिशा और दशा कैसे बदल रही है, सरकार की योजनाओं का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं और मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को कैसे मुख्यधारा में जोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात कार्यरत है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए, महेशपुर गांव पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम का महेशपुर गांव कभी डर भय का पर्याय माना जाता था। महेशपुर के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों को बंद कर लिया करते थे। छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन्हें कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था। सरकार की योजनाओं से भी यहाँ के ग्रामीण पूरी तरह से वंचित थे। गांव में युवक युवतियों को अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी दूर दराज भटकना पड़ता था। अपना खेत होते हुए भी उन्नत किस्म के बीज, उपकरण और सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण खेती बारी भी नहीं कर पाते थे। साहूकार और बैंक से कर्ज लेकर खेतों पर हल तो चला लेते थे, लेकिन खेती नहीं हो पाती थी और वे साल भर कर्ज में डूबे रहते थे। दर्शकों जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम नया सवेरा में। आज के अंक में हम पूर्वी सिंहभूम के महेशपुर पंचायत आ पहुंचे हैं। इस पंचायत में कभी नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, जिसके कारण विकास और सरकारी योजना यहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन पुलिस के पहल के बाद यहाँ नक्सल का प्रभाव कम हुआ, जिस वजह से अब यहाँ विकास और सरकारी योजनाएं पहुँच पा रही है, जिससे ग्रामीणों को लाभ हो रहा है। तो आइए ग्रामीणों से लेते हैं इसकी जानकारी। जी, क्या नाम है आपका? वैशाखी मुंडा। आपके पति का नाम? अनुराम मुंडा। कांगरा मुंडा की बात करते हैं, बहुत बड़े नक्सली थे, उनका पूरा क्षेत्र में काफी खौफ था, लेकिन कैसे आपने उनको मतलब मुख्य धारा से जोड़ा और सरेंडर करने के लिए किस तरीके से प्रेरित किया आपने? हम लोग ऐसे में बोले जो सरेंडर कर दीजिए, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, और बाल बच्चा भी पढ़ रहा है, अभी बड़ा भी हो गया, आप नहीं सरेंडर करिएगा तो बच्चा को कैसे हम लोग पढ़ा पाएंगे, कैसे रहेंगे, इसीलिए। अब आपके पति सरेंडर कर दिए। अगर सरेंडर करने के बाद सरकार की ओर से क्या क्या लाभ दिया गया आप लोग को? मतलब केस के बारे में देखभाल के लिए, जितना केस था वो भी बुरी हो रहा है, जो उनका इनाम था वो भी दिया गया है, केस देखने के लिए भी दिया गया है। कितने बाल बच्चे आपके हैं? तीन। क्या बेटा की बेटी? बेटी दो है, बेटा एक। क्या करिए बेटी? बेटी MSc कंप्लीट किए हैं, 2 वर्ष रह रहा है। छोटा बेटी भी MSc कंप्लीट किए, 1 साल हो रहा है। बड़ा छोटा बेटा वो BA पार्ट 1 में है। तो ये बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं, क्योंकि हम जब बच्चे बड़े हुए MSc कर गए हैं, एक BA पार्ट 2 में है, तो क्या चाहते हैं अगर बच्चा बड़ा होकर क्या बने? देखिए, वो जो चाहता है हम तो दबाव डाल के तो नहीं बना पाएंगे, वो जो चाहता है वही बनेगा। क्या इच्छा बच्चों की, क्या इच्छा है? बच्चे का तो, बड़ा लड़की का तो प्रोफेसर बनना इच्छा है। देखिए क्या हो रहा है। बेटा क्या बनना चाहता है? बता तो फिलहाल अभी भी नहीं सोचा है। नहीं सोचा है। आप क्या करती हैं? हम आंगनबाड़ी करते हैं 90 साल से। अच्छा, तो दीदी एक समय हुआ कि पुलिस आपके पास आती होगी पूछने के लिए कि आपके पति कहाँ पे हैं, कैसे हैं, जानकारी की जाती होगी, लेकिन आपके पति सरेंडर कर दिए, तब आपके जो पुलिस के लोग हैं कितना सहयोग करती है, किस तरीके से आपका कोई भी समस्या होता है कितना सहयोग करती है आपका? हाँ, सहयोग करती ही है। दीदी कहा था कि मातृशक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, औरत जो चाहती है सो कार्य कर लेती है। आप निश्चित तौर पर अपने पति को सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया,
झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो सरेंडर नहीं किए हैं, और आप भी एक पत्नी के रूप में हैं, एक महिला के रूप में हैं, तो उन महिलाओं से क्या कहना चाहती हैं जिनके पति भी नक्सली के रूप में हैं? उन लोग भी सिलेंडर करने से अच्छा होता है, बाल बच्चा घर में ठीक से रहता है। इसे में तो नक्सली में रहने से तो बाल बच्चा भी ठीक नहीं पढ़ पाता है, और घर में जितना हम ही लोग रहते हैं वो भी हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, और सिलेंडर करने से ठीक ठाक रहेगा। ये क्या बदलाव हम शुरू जाना चाहते हैं, जिस समय आपके पति नक्सली थे उस समय क्या समस्या हो रही थी, और आपके पति जब वो तो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि क्या समस्या था क्या ना, वो तो हम नहीं बोल पाएंगे, वो ही बोल पाएंगे। नहीं, आप लोगों के साथ क्या समस्या था, क्योंकि आपके पति तो नक्सली थे लेकिन आप जब घर में रहती होंगी तो पैसे की दिक्कत होती होगी, पढ़ाई लिखाई की दिक्कत होती होगी, कहीं ना कहीं सब शक की दृष्टि से देखते होंगे। मेरा पति जब बाहर में रहता था, हाँ दिक्कत तो होता ही है क्योंकि मेरा तो नौकरी आंगनबाड़ी था, इतना दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन जमीन में खेती में भी खेती करते थे, सब्जी लगाते थे, उसी में चल जाता है। अब क्या हो रहा है, आपके पति अब सरेंडर कर दिए तो कितना मतलब कि खुल के जीवन जी रही हैं आप? अभी भी ऐसे ही, पहले जैसे जी रहे हैं ऐसे ही, अभी भी खेती कर रहे हैं सब्जी वगैरह धान, अभी भी आंगनबाड़ी कर रहे हैं, इसे में चल रहा है। अच्छा, सब्जी में खुशहाली चल रहा है। हाँ, पहले थोड़ा डर डर के चलता था, अभी खुशहाली चल रहा है, डर खत्म हो गया। हाँ। अभी जब तक गांव में कोई डर नहीं है, नहीं अब तो सब लोग खुल के जी रहे हैं। हाँ। आप ही देख रहे हैं कि यहाँ पे आंगनबाड़ी में आ रही है, बहुत सारी महिलाएं भी काम कर रही है। हाँ। सब कुछ काम, अब तो गाँव में देख रहे हैं विकास के कार्य भी हो रहे हैं। हाँ, हो रहा है। आपके गाँव में कौन कौन सा विकास के कार्य हो रहा है? मतलब रोड बन रहा होगा, सिर्फ रोड ही तो देख पा रहे हैं, यार को जल मीनार दिया है, और जल का पाइप जो दिया था, लेकिन हम लोग का गांव का आदमी के चलते नहीं देख पाया। अच्छा, बच्चे स्कूल आ रहे हैं? बच्चा आंगनबाड़ी की कैसी थी? हाँ, आंगनबाड़ी का बहुत आ जा रहा है, अभी माता लोग ही पहुंचा देता है, हमको जाने का कोई जरूरत नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में भी लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे। समय पर थाना या मुखिया से मदद नहीं मिलने के कारण पीड़ित परिवार गांव से पलायन करने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे कई युवक युवतियां शोषण के शिकार हुए और पलायन करने को मजबूर हो गए। कुछ ने मुख्य धारा से भटककर हथियार उठाना बेहतर समझा और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। ऐसी कई बड़ी घटनाएं क्षेत्र में घटी जिसमें कई बेकसूरों की जाने भी गई। सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SSB के जवानों की मदद से भटक रहे युवाओं को योजनाओं के लाभ से जोड़ने का प्रयास किया गया। मेरा नाम अरविंद सिंह हुआ। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर गुड़ा पथ में इसका इंचार्ज है, जेके बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम कर रहे हैं जी। अगर हम इस गांव की बात करें कि एक समय था कि काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ पे विकास के कुछ कार्य नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि अच्छी सड़कें बन रही हैं और विकास के कार्य हो पा रहे हैं, तो जो आप लोग काम करें कहीं कोई डर भय नहीं है? नहीं, अब डर भय नहीं है, दिन में भी हम लोग काम कर रहे हैं और रात में भी काम हो रहा है, 10-12 बजे तक कोई डर भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं। पुलिस के लोग कितना मदद करते हैं आपका? भरपूर पेट्रोलिंग करते रहते हैं और कोई खौफ नहीं है इस तरीका के, पहले था लेकिन अभी किसी प्रकार का डर भय नहीं। एक समय था कि लोग बतलाते हैं कि जब यहाँ पे कुछ भी विकास के कार्य होते थे तो नक्सली आते थे, जी हाँ जी, लेवी की मांग करते थे, जी हाँ जी जी। क्या आज तो वो सब नहीं, वो सब कुछ नहीं है, इस लेवी से भी कभी कुछ मांग नहीं, ये सब नहीं है, और आदमी खुले दिल से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं गंगाधर महतो, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेशपुर। कहाँ से आते हैं हम? अभी फिलहाल धलभूमगढ़ में रहते हैं। अगर हम महेशपुर की बात करते हैं तो एक ऐसा दौर था कि महेशपुर की पहचान नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में होती थी, लेकिन हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान की क्या स्थिति है? वर्तमान में तो देखिए, एक समय था आदमी यहाँ आने के लिए मैंने सोचता था कैसे आऊँ, या वहाँ जाएंगे तो हम मैंने क्या फिर वापस आ पाऊँगे कि नहीं, ये भी सोचता था, और रास्ता का जो था वो तो रास्ता आने के लिए मैंने सोचना पड़ता था कि महेशपुर जाएंगे तो किधर से जाएंगे हम। पहले तो था हमको महेशपुर आने के लिए, धलभूमगढ़ से आने के लिए 42 किलोमीटर आना पड़ता था, या तो मुसाबुनी होते हुए आएंगे तो करीबन आपका 7 किलोमीटर आना पड़ता था। अभी रास्ता बनने के बाद आपको 21 किलोमीटर आना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी जो मैंने मन आदमी के मन में जो ये था कि महेशपुर जगह कैसा है, वहाँ जाएंगे तो कैसे होगा, अभी तो मैंने वैसा फील नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि नक्सल का खौफ पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है? देखिए, तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग जो समझते हैं कि अभी भी मैंने वैसा तो मैंने नज़र में या तो कुछ नहीं आता है, लेकिन देखिए खौफ जो है ना, विचारधारा है, तो इसको मैंने इसको जाने में समय लगेगा,
लेकिन पहले से कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं कमी कम हुई? हाँ, बहुत कम हुआ। अभी तो घटनाएं हमको तो मैंने अभी 6 साल होने जा रहा है, अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगर हम आपके विद्यालय की बात करते हैं, सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, तो आपके विद्यालय में सरकार की कौन कौन सी योजना वर्तमान में संचालित है? देखिए, अभी सरकार की सबसे मैंने बड़ी अगर बोलेंगे तो मध्यान्ह भोजन, अभी क्लास 8 के बच्चों को मैंने जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए साइकिल का प्रावधान है। अभी ई कल्याण के द्वारा मैंने जो अभी कल्याण विभाग से अभी जो मैंने छात्रवृत्ति वो भी मिलता है। और अभी वर्तमान में जो अभी इसी साल चालू हुआ एक योजना आपका सावित्री फुले योजना चालू हुई, मतलब कह सकते हैं काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। निश्चित तौर पर कहने के बच्चे भी इससे लाभान्वित हो एकदम, उसमें मैंने कोई मैंने ये नहीं है कि लाभान्वित नहीं हो रहे बच्चे सब। जब आप घर से स्कूल आते हैं तब बताया कि काफ़ी डर का माहौल था, मैं डर रहता था, अब आपके परिवार के लोग कितना भयमुक्त हैं और आप कितना भयमुक्त हैं कि नहीं अब हम आ रहे हैं तो सब कुशल घर की ओर चल जाएंगे? आप पुलिस प्रशासन के लोग कितना आप भी मैंने क्या बोलिएगा, महेशपुर जाने का एक मैंने परिवार के मन में बोलिएगा ना, महेशपुर जाने का एक स्वच्छ वातावरण का मनोभाव आता है। और पहले क्या था, एक डर का मैंने ये माहौल था। अभी महेशपुर जाइएगा तो मैंने आराम से वहाँ तो इत्मीनान से इतना स्वच्छ आपको वातावरण मिलेगा और आप आराम से मैंने रह सकिएगा यहाँ। अगर हम शिक्षकों की बात करते हैं तो शिक्षक समाज का निर्माता होता है जी। और कहीं ना कहीं हम महेशपुर की बात करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो अभी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते उन नक्सलियों से क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं अभी और मैंने जो मैंने आप लोगों का जो भी मांग है वो सीधे सरकार से बात कीजिए। ये जो मैंने जो रास्ता है आप लोगों का वो रास्ता मैंने एकदम ठीक नहीं है। अभी समाज मैंने सरकार चारों ओर आपको बता रहे कहिए आप क्या आपका असुविधा है, क्या दिक्कत है, आप बताइए, बस उनके बातचीत के माध्यम से ही समाधान हो सकता है। सरकार की योजनाओं का सकारात्मक परिणाम रहा कि ऐसे युवा जो गांव से पलायन कर गए थे वे अपने गांव वापस लौट आए हैं। कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से वे हुनरमंद बनने लगे हैं। मेरा नाम सुनंद मोहन साहू है और यहां पर मैं पारा शिक्षक हूं। आप पारा शिक्षक हैं, निश्चित तौर पर आप इसी गांव के होंगे? मैंने आसपास के आसपास के गांव के हैं। अगर महेशपुर की बात करते हैं जी, तो महेशपुर में पहले की अपेक्षा कितना विकास हुआ है, लोग कितने भयमुक्त हैं, किस तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं? पहले की अपेक्षा तो बहुत विकास हुआ है जब से मैंने वो लोग सरेंडर कर दिया है उसके बाद से, और पहले के में बहुत फर्क है। और अभी लोग भयमुक्त होकर के जी रहा है, अपना काम धंधा में लोग लग रहा है। और हम लोग को भी पहले डर लगता था यहाँ पर आने में, तो अभी वो डर का माहौल मैंने ख़त्म है और हम लोग मैंने निश्चिंत होकर के आते हैं और हम लोग के घर के परिवार भी निश्चिंत रहते हैं। पहले वो लोग डर बना रहता था जी, आप इसी गांव के हैं, आप पारा शिक्षक हैं, तो पारा शिक्षक की बहाली ही जो होती है जो लोकल लोग होते हैं उनकी बहाली होती है, तो पहले की स्थिति क्या थी? आप बताएं कि भयमुक्त था, किस तरीके से परेशान करते थे, क्या बोलते थे और किस तरीके से लोग प्रताड़ित करते थे वो? मैंने हम लोग को तो यहाँ पर मैंने कभी डायरेक्ट नहीं बोला गया है, लेकिन रास्ता वस्ता में ऐसे पूछते थे जे मैंने ये कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये पुलिस वुलिस आया था कि नहीं, ये सब हम लोग को मैंने कभी कभी पूछते थे रास्ता में। तब यहाँ पर नहीं आते थे, मैंने स्कूल में नहीं, बाहर में ही पूछते होते थे, तो हम लोग से बोलते थे नहीं हम लोग तो यहाँ पढ़ाने आते हैं, वो सब हम लोग को कोई मतलब नहीं है। और जैसे कभी पोस्टर वोस्टर सांटता था पहले, अभी तो नहीं है, तो उस समय कोई जैसे फाड़ भी दिया ना तो आकर हम लोग को बोलते थे जो कौन फाड़ दिया पोस्टर, तो हम लोग यही बोलते थे जो नहीं वो सब तो हम लोग पढ़ाने आते हैं स्कूल में, वो सब हम लोग को नज़र नहीं आता है, हम लोग वो सब काहे देखने जाएंगे, कौन पोस्टर सांटा कौन बोला क्या बोला नहीं बोला वो सब तो हमको मतलब नहीं है, हम यहाँ पढ़ाने आते हैं, पढ़ा करके अपना घर जाते हैं। अगर उपस्थिति की बात करते हैं पहले की अपेक्षा बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में कितनी बढ़ी है? पहले की अपेक्षा उपस्थिति बढ़ा है अभी, पहले तो लगभग 50% होता था, अभी तो 80% फिर 90% भी हो जा रहा है, उपस्थिति काफ़ी बढ़ी जी। लोग बतलाते हैं कि कैसा दौर था कि शाम होते ही लोग घर में घुस जाते थे, महिलाएं घर से बाहर निकलती थी, लड़कियां स्कूल नहीं आती थी, नहीं आते थे, लेकिन आज की कैसी लड़कियां स्कूल आ रही हैं, लोग बच्चे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं अपने स्वरोजगार के लिए घर से बाहर निकल रही हैं जी। पहले से अपेक्षा तो बहुत मैंने सुधार हुआ है, लड़की लोग भी आती है स्कूल, और शाम को भी डर लगता था, सब शाम होते ही मैंने घर में घुस जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मतलब लोग मैंने देर शाम तक भी अपना जो मैंने रोजगार है या कहीं जाना आना है जो हाट बाजार जाता है वो सब जा करके भी आता है, देखते हैं शाम तक भी 7:30-8 बजे तक भी लोग आता है आराम से। पहले तो शाम होते ही सूरज ढलते ही मैंने सब घर में बंद हो जाता था। अगर हम पुलिस की बात करते हैं जी,
तो अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, कोई एक्टिविटी उस तरह का होती है, पुलिस को आप सूचना देते हैं कि हाँ मेरे गांव में इस तरह की कोई समस्या है, तो पुलिस के लोग कितना मुस्तैदी के साथ आपके पास आते हैं, कितना सहयोग करते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है? उन लोग का व्यवहार दोस्ताना व्यवहार रहता है, मदद करते हैं लोग, जैसे कभी खबर दिया गया जो कभी दिक्कत है ऐसे, तो वो लोग आते हैं मदद करते हैं। अब पहले तो बराबर आते थे, अभी जब से वो लोग सरेंडर हुआ है इसके बाद से मैंने उतना नहीं आते हैं, लोग कम आते हैं, बहुत कम। पहले तो जब तो हम देखते थे जैसे मूवमेंट होता था, ये लोग को मैंने भी आ जाते थे, पूरा चारों तरफ भर जाते थे। अभी में बहुत फर्क हो गया है। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए थे, वैसे लोग भी आत्मसमर्पण कर सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठा रहे हैं। ओपन जेल की सुविधाएं उन्हें मिल रही है, अपने घर परिवार के साथ रहने का उन्हें मौका मिला है। मेरा नाम शिवनाथ मंडी, गुड़ाबंदा जिला परिषद, अंक संख्या 21। आप जिला परिषद के सदस्य के रूप में हैं, अगर हम महेशपुर की बात करते हैं तो सरकार की कौन कौन सी योजना वर्तमान में आपके गांव में, आपके क्षेत्र में संचालित हो रही है? महेशपुर की गांव में पहले का समय में बहुत कठिनाई में यहाँ का जनता रह रहे थे। यहाँ का इस रोड पर अगर चलने का मन करेगा तो सब पब्लिक, कोई भी आएगा तो डर का भावना था उस समय में, लेकिन पहले से अभी बहुत सुधार हो गया है। रोड रास्ता आने जाने का सुविधा हुआ है और कुछ कुछ योजना भी विकास हुआ है इस क्षेत्र में। अभी वर्तमान में देखेंगे तो आपका जैसे कुछ तालाब, और हाल ही में आपका जैसे हम लोगों का आदिवासी जो परंपरागत जाहिर स्थान है चार दीवारी, सांस्कृतिक कला केंद्रों, ये सब हुए हैं। मतलब कह सकते काफ़ी विकास की योजनाएं संचालित हो रही है। पहले की क्या बताया कि एक समय था कि इस रोड में लोग चल नहीं पाते थे, पहले का बहुत समस्या। पहले हम लोगों का ब्लॉक था धलबुंगड़, पोल भी नहीं था, नाव में आना जाना करते थे और बहुत कठिन है, अपना खाना पत्ता का ये बना के लेके वो लोग अपना ब्लॉक का काम करते थे, वैसे करके यहाँ पर आते थे। और यहाँ का समस्या जो है रोजगार के बारे में, रोजगार कुछ नहीं है, पत्ता बेचो लकड़ी बेचो बस वही रोजगार है। और आज की क्या स्थिति है, आज कितना बदलाव हो रहा है, लोग कितने भयमुक्त हो रहे हैं, कितने घर से बाहर निकल रहे हैं रोजगार के लिए, सरकार की योजनाओं से कितने जुड़ रहे हैं? अभी के समय में बहुत सारा ऐसा योजना है कि अपना बिजनेस परफेक्ट में दिया जा रहा, तो उसी माध्यम से वो लोग अपना परिवार चला रहे हैं, बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं, वो समाज के मुख्यधारा से जुड़े और समाज के विकास के लिए कार्य करें, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता का सोच अभी पहले से बहुत सुधर गया है, वो लोगों को काफ़ी मजबूरी तो है, मेन बात है पूंजी नहीं है, तो अभी सरकार की तहत से पूंजी भी मिल रहा है, कुछ भी अब बिजनेस की जगह तो बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा है, उसी के माध्यम से वो लोग बिजनेस करेंगे। दर्शकों, देखा आपने कि महेशपुर गांव पूर्वी सिंहभूम जिला का जो हिस्सा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, और इसका श्रेय देंगे हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन को जो बिना रुके काम कर रही है। दर्शकों, सरकार की यही मंशा है कि झारखंड राज्य के जो 18 जिले हैं, जो मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति जहां पे रुक गई है, वहां पे विकास करें और नया सवेरा का उदय करें, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को स्वीकारा है पुलिस प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन अगर काम न करे तो यहाँ पे हम जो ख्वाब देख रहे हैं शायद पूरा न हो। तो चलिए मिलवाते हैं पुलिस प्रशासन से और जानते हैं कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, खास करके वैसे लोग जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ रहते हैं, कि किसी भी प्रकार का कोई लुभावना अगर ऑफर आपको आता है, कोई नक्सली या नक्सल जो दस्ता है उसके सदस्य किसी प्रकार का ऑफर आपको देते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम है मुख्य धारा से कभी नहीं भटकिए। अल्टीमेटली आपको सीधे सीधे तौर पर यह सोचना होगा कि हमको जंगल में दिन रात गुजारे और हमेशा एक डर सताते रहे कि कभी भी पुलिस बल या अर्धसैनिक बल आएगी और मुठभेड़ हो सकता है, हम मर सकते हैं, अगर पकड़ाएंगे तो जेल जा सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, रात में कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस लाइफ के बनस्पत अगर आप अपने घर परिवार के साथ रहे, अच्छे से रहे, अपने समाज में रहें, अच्छी अच्छी नौकरी करें, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सुविधा आपको मिले, तो दोनों लाइफ में खुद आप तुलना कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से आप सभी वैसे लोग, खास करके जो यंगस्टर्स हैं जो मुख्यधारा से भटक चुके हैं या कभी कभी भटकने की कगार पर होते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप एकदम उस ओर नहीं जाएँ, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लें,
पुलिस बल आपके दुश्मन नहीं है, पुलिस बल आपके सहायता के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, और कभी कोई परेशानी होती है तो आप निसंकोच, अगर इस जिला की बात है तो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी अन्य जिला की बात हो वहाँ के संबंधित एसपी साहब से आप बात कर सकते हैं, और रियल लाइफ जीना शुरू कीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए ताकि उनका भविष्य और इससे बेहतर हो सके। और जो लोग मुख्यधारा से ऑलरेडी भटक चुके हैं उनके लिए मेरा संदेश ये है कि झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसका भरपूर फायदा उठाएं। अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार के तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है, जो इनाम की राशि होती है वो आपको मिलेगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए तो ज़मीन भी दी जाती है। साथ ही आपके ऊपर जितने पहले से केस लगे हुए हैं उसमें भी काफ़ी लीनियंट, काफ़ी संवेदना के साथ उसको देखा जाता है, और केस लड़ने के लिए भी आपको कोई पैसे की खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी वकील आपके लिए आपका केस लड़ते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है वैसे लोगों को जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो लोग मुख्यधारा से भटक चुके हैं वो इस आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठा करके आइए और मुख्यधारा से जुड़ जाइए, अपने परिवार के साथ रियल जीवन का आनंद लीजिए। थैंक यू। दर्शकों, आज हमने देखा महेशपुर गांव जो पूर्वी सिंहभूम जिला का हिस्सा है, कैसे वहां पे विकास निरंतर जारी है, और हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे लोगों से अगर मिलते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करें कि जिस राह पे वो चल रहे हैं वो राह बिल्कुल गलत है, उन्हें अपना राह बदलना होगा, तभी हम नया सवेरा का जो सपना देख रहे हैं पूरा होगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको याद दिलाएंगे कि COVID-19 बीमारी जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, जिसका सामना हमने पिछले वर्ष किया था, वो फिर से पांव पसारने के कगार पे है। तो 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।